उत्तराखंड में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बहुआयामी गरीबी रेखा में 8% तक की कमी आई है। उत्तराखंड में पिछले साल 6 साल गरीबी उन्मूलन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट ने गरीबों को इस गरीबी रेखा के ऊपर ला दिया है। गरीबों को लेकर आंकड़े भी जारी किए गए हैं। एक आकलन के अनुसार 8 लाख से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि राज्य में आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और लोगों की आजीविका को बढ़ाने के साथ ही रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा कई साल सरल सहायता समूह चलाए जा रहे हैं, जिससे कि प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में हो रही महिलाओं और बेरोजगारों को रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाए जा सके। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत ही काबिले तारीफ ये आंकड़ा आया है, क्योंकि जिस प्रकार से 8 लाख से ज़्यादा लोग उभरे हैं गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर, ये दर्शाता है कि हमारा उत्तराखंड आज किस जगह पर ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। जिस प्रकार कहा जा रहा था कि उत्तराखंड एक दशक होगा, आने वाला दशक एक उत्तराखंड का दशक होगा, उस चीज़ पर एकदम भारतीय जनता पार्टी खरी उतर रही है। मैंने अभी इससे पहले भी कहा कि जिस प्रकार यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है और लोग बाहर जाके जो जॉब करने लगे थे, इस डेवलपमेंट को देखते हुए लोग वापस यहाँ पर आ रहे हैं और पर्यटन का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, उससे हमारे उत्तराखंड को लगातार बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है। और इसी श्रेय में मानस खंड माला मिशन का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और कुमाऊं के मंदिरों को डेवलप किया जा रहा है, ऑल वेदर रोड बन रही है, रेलवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सुरंग बन रही है, 2.5 से 3 घंटे में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच सकते हैं। इस प्रकार के जो भी लगातार उत्तराखंड में विकास हो रहा है, वो ये दर्शाता है कि इस विकास को ही देखते हुए लोग यहाँ पर स्वरोजगार कर रहे हैं, अपने आप में खुद कार्य कर रहे हैं और एक बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। इससे ये हम लोग गरीबी रेखा से ऊपर 8 लाख से ज़्यादा लोग आए हैं।